हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के समक्ष बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ। और खास करके पेपर वन से संबंधित और पेपर टू से संबंधित जो टिप्पणी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उन्हें संभावित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। और प्रत्येक खंड से मैं अब से लगातार आप सभी के लिए मुख्य परीक्षा से संबंधित सामग्री के लेकर उपस्थित होता रहूंगा। और आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पेपर वन और पेपर टू जीएस के होते हैं, जिनका मुख्य योगदान है। और पेपर वन तीन सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन वन में हिस्ट्री एंड कल्चर, सेक्शन टू में करंट अफेयर्स और सेक्शन थ्री में स्टैटिस्टिक्स होते हैं। तो सेक्शन वन को आज हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पिछली बार से एक नवीन प्रवृत्ति हमारे बीपीएससी मुख्य परीक्षा में समायोजित किया गया है, जिसमें टिप्पणी वाले प्रश्न का उत्तर अनिवार्य कर दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत या बीपीएससी के पेपर वन का सेक्शन वन, जिसमें इतिहास और संस्कृति टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और सब टिप्पणी वाले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के उन पक्षों की चर्चा करेंगे, जहाँ से हमको मुख्य परीक्षा में टिप्पणी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमको मिलेंगे। तो इस बार के लिए संभावित जो प्रश्न है उसकी हम लोग चर्चा करें, जो एक्चुअली होता है, एवरग्रीन है, जिसकी तैयारी बढ़िया से कर लेने पर आप किसी न किसी रूप में टिप्पणी वाला आंसर लिख के आराम से आ सकते हैं। इसमें शब्द समायोजन और तथ्य का ज्ञान बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पेपर वन बीपीएससी मेन एग्जाम का पेपर वन का सेक्शन वन से संबंधित हम लोग टिप्पणी वाले प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो इस बार के लिए संभावित है, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। जैसे हमारे सामने प्रश्न आ सकता है, निम्नांकित पर सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्नांकित पर संक्षिप्त संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और पहला प्रश्न में आप देखेंगे प्रश्न संख्या एक में पांच टिप्पणी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिनको लिखना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले एंशियंट इंडिया में हिस्ट्री और कल्चर से जो टॉपिक अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, पहले हम लोग उनकी चर्चा करें, जिनमें सबसे पहला अशोक का धम्म। इसके बाद एक है मूर्ति निर्माण की गांधार तथा मथुरा शैली। इसके बाद एक आता है, एक संभावित है मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली। इसके बाद एक टॉपिक रहता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है एंशियंट इंडिया में, मौर्यकालीन राजकीय कला। और एक टॉपिक ध्यान में रखिएगा, और पालकालीन कला। अब देखिए,
कि क्योंकि मुख्य परीक्षा में उन्हीं चीजों को पूछा जाता है जहां से तथ्य काफी आते हैं, और एक और चीज इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण होता है, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की हीनयान, महायान तथा वज्रयान वज्रयान शाखा। तो ये एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन हैं, और इनमें से लगभग सवाल आते रहे हैं क्योंकि हमारे बीपीएससी में पिछली बार से प्रवृत्ति आरंभ हुआ है, लेकिन अन्य जितने भी पीसीएस होते हैं, चाहे सेंट्रल का यूपीएससी हो या किसी स्टेट का पीसीएस हो, टिप्पणी वाले क्वेश्चन की प्रवृत्ति कॉमन होती है और टिप्पणी वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं इन्हीं सब टॉपिक्स में से। अब सवाल है तो ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग इनको पढ़ लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे इन्हीं मटेरियल को बढ़िया से लिखा जाए ताकि अधिक से अधिक अंक मिले, तो इसके लिए जरूरी होता है कि तथ्य की सही जानकारी हो, तथ्य एनसीईआरटी पर आधारित हो, ये सबसे प्रमुख चीज होता है। अब आप जीएस का आंसर लिखने वक्त बहुत सारे विद्यार्थी क्या करता है, जो ग्रेजुएशन लेवल के जो बुक्स के टॉपिक्स होते हैं या मेटेरियल होते हैं उनको भी समायोजित करने लगता है बच्चा। तो ये जब बहुत लॉन्ग आपको लिखना हो और मेटेरियल आपके पास कम हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब शॉर्ट में लिखना हो तो टू द पॉइंट उतना एनसीईआरटी दे देता है या बिहार टेक्स्ट बुक उतना दे देता है जिससे आपका आंसर परफेक्टली तैयार हो जाता है। तो तथ्य की वास्तविक जानकारी आपके पास हो और आप इसको सही ढंग से कैसे लिखें, एक एक करके हम लोग इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसे आज मैंने आपको एक संभावित प्रश्न को दर्शाया है, दिखाया है कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ें, हमेशा इस सबसे प्रश्न आते रहते हैं। जैसे अशोक का धम्म काफ़ी कॉमन कॉन्सेप्ट वाला चीज है और तथ्यात्मक चीज है, बिल्कुल फैक्चुअल चीज पर मेंस में क्वेश्चन नहीं आते, ये हमेशा याद रखिए। जहाँ कहीं तथ्य होता है, जहाँ कहीं कुछ अवधारणाएं होती हैं, निहितार्थ होता है, वहाँ मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स में इतने एवरग्रीन हैं अशोक का धम्म, मूर्ति, क्षमा करें, मूर्ति निर्माण की गंधार तथा मथुरा शैली, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली, मौर्यकालीन, क्षमा करेंगे, मौर्यकालीन राजकीय कला, पालकालीन कला, बौद्ध धर्म की हीनयान, महायान तथा वज्रयान शाखा। वैसे एक और होता है पटना कलम शैली, लेकिन पिछले बार में पटना कलम शैली को पूछा जा चुका है, तो फिर आगे बार वाले में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो संभावित प्रश्न हैं उनमें इतने टॉपिक्स हम लोग पहले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगले सेगमेंट में मॉडर्न इंडिया, क्योंकि मेडाइवल इंडिया से रिलेटेड बहुत कम संभावना होती है किसी क्वेश्चन को पूछे जाने की, तो पहले सेगमेंट में हम लोग इससे रिलेटेड एक एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक को इससे रिलेटेड। तो चलिए एक एक करके हम लोग अब टिप्पणी वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा है अशोक के धम्म या अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, हम सभी जानते हैं हमारे भारत के इतिहास में अशोक पहला महान राजा है और इसकी कई पहचान है, जिनमें एक मुख्य पहचान है इसके द्वारा एक धम्म का प्रतिपादन किया जाना। तो जब हमारे समक्ष यह प्रश्न आएगा तो किन किन बिंदुओं में या किस किस पॉइंट में हम लोग इस संक्षिप्त टिप्पणी को बढ़िया से लिखें, एकदम बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से बात नहीं बनाना है, वैज्ञानिक ढंग से सटीक आंसर लिखा जाता है जिससे आपके पर्पस सॉल्व होते और अच्छे अंक आते हैं। इसके लिए तथ्य का ज्ञान, लेखन क्षमता और तथ्य को समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे अशोक का धम्म कोई छोटा चीज जो है नहीं, अशोक का धम्म बड़ा चीज है, और अशोक के धम्म को आप जब मेंस में लिखते हैं, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट होता था, इस बार से तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, या जब
लंबा में पूछा जाता है तो कम से कम 5 से 7 पेज में अशोक के धम्म को लिखा जाता है। लॉन्ग में जब सब्जेक्ट में पूछा जाता है बिहार को छोड़ के अनदर पीसीएस में, बड़ी लंबी चीज है। लेकिन इसको संक्षेप में कैसे लिखें ताकि टिप्पणी वाला आंसर आ जाए, तो हम लोग कुछ खास बिंदुओं को अगर ध्यान में रखें, जिन बिंदुओं को अगर डील करें, तो हमारा टिप्पणी वाला आंसर बहुत बढ़िया से तैयार होगा। जैसे अब धम्म, सबसे पहले धम्म को समझाना है, तो सबसे पहले बिंदु में हम लोग लिखें, ध्यान देंगे, ये जो धम्म शब्द है, ये जो धम्म शब्द है, यह धम्म जो है यह संस्कृत भाषा के धर्म, संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का पाली रूप है। एक्चुअली क्या है कि इन बिंदु में आप डील करें, लैंग्वेज आपका बढ़िया हो तो कम से कम धर्म के बारे में तो पहले बताना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि अशोक ने जी, अशोक का जो धम्म जो कहा जाता है यह पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का रूप है, पाली का रूप है, और यह संस्कृत भाषा के धर्म से निकला है। तो संस्कृत भाषा में धर्म और इसी को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है। तो सामान्य जीवन में जो हम लोग धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं वही धर्म धम्म है, लेकिन यह पाली भाषा का शब्द। अब है अशोक का जो धम्म है वो क्या था, तो अशोक का धम्म जो है, इसका जो मूल सिद्धांत है, अशोक के धम्म का जो मूल सिद्धांत है वो ध्यान में रखें, मूल सिद्धांत में है अहिंसा। अशोक ने अपने धम्म में अहिंसा पर काफी जोर दिया। अशोक के धम्म के मूल सिद्धांत में शामिल है सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। अशोक के धम्म का एक मुख्य सिद्धांत है सहिष्णुता, सहिष्णुता। अशोक के धम्म का एक मुख्य सिद्धांत है नैतिकता या नैतिक आचरण, नैतिकता या नैतिक आचरण। और अशोक के धम्म का एक मुख्य सिद्धांत है बड़ों का, बड़ों के प्रति आदर भाव, बड़ों के प्रति आदर भाव या सम्मान का भाव। ये अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत है। इन बिंदुओं में आप इसको डील करें संक्षेप में, अहिंसा, सत्य बोलना, सहिष्णुता, लोगों के बीच भाईचारा का भाव, नैतिक आचरण पर ध्यान देना, और बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान की भावना को रखना। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि विद्वानों ने कहा है कि अशोक का जो धम्म है, यह सार्वकालिक, कितनी बड़ी बात को कहा है इस बिंदु बाप, एकदम टू द पॉइंट ऑफ वैज्ञानिक ढंग से डील कर दे, बढ़िया से बढ़िया अंक मिलेगा। सार्वकालिक तथा सार्वजनिक है, एक विद्वान ने कहा। अब अपने विद्वान के बारे में लंबी लंबी बात नहीं लिखी है, ठीक है, जो मुख्य बातें उन्होंने कही उनको डील करना, इतना जितना पॉइंट हम आपको बता देते हैं उतना पॉइंट आप डील करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा अंक आपको मिलेगा और बच्चों को मिलते रहे, यह अनुभव कीजिए। तो अशोक के धर्म के बारे में किसी विद्वान ने कहा कि अशोक का धर्म सर्वकालिक है, माने अशोक ने अपने धर्म में जिन जिन सिद्धांतों या जिन जिन मूल बातों की चर्चा की है वो सभी काल में उपयोगी है, यह कालजयी है। जितना इसका महत्व मौर्य काल में था उतना आज भी है, उतना आगे भी रहेगा, और सार्वभौमिक है, ये पूरे पृथ्वी पर सभी जगह लागू होते हैं और ये सार्वजनिक है, आम जनों के लिए यह है। अशोक के धम्म के बारे में एक विद्वान ने कहा कि अशोक का जो धम्म है यह सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सार्वजनिक है। कारण कि अशोक का जो धम्म है यह मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है, मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत है, यानी
हर धर्म के सबसे बड़ी बात समझिए कि ये सर्वधर्म संभाव पर आधारित है। सभी धर्म का जो मूल तत्व है वो लेकर उसी को समाहित करके अशोक ने अपने धर्म का प्रतिपादन किया और सभी धर्म में मानवीय भावना को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया है। तो अशोक का धर्म इसीलिए सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है कि हर काल में और पूरे पृथ्वी पर इस संसार में जितने भी धर्म हुए हैं सभी में सबसे पहले मानवीय भावनाओं को विशेष महत्व दिया गया है, मानव कल्याण की बात पर विशेष ध्यान दिया गया है, मानव सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। साथ साथ इसके धर्म में अशोक के धर्म में आप देखेंगे कि अशोक के धर्म में सभी मान्य नैतिक सिद्धांतों सभी मान्य नैतिक सिद्धांतों तथा आचरण के नियमों को समाहित किया गया है। चाहे कोई भी धर्म है, कोई भी समाज है, कोई भी संस्कृति है, नैतिक आचरण के जो सिद्धांत हैं सभी समाज जिसको स्वीकार करता है, सभी जगह के लोग जिसको स्वीकार करते हैं, सभी स्तर के लोग जिसको स्वीकार करते हैं, उन्हीं सिद्धांतों और आचरणों के नियमों को समायोजित करके अशोक ने अपने धर्म का प्रतिपादन किया। वस्तुतः अशोक ने जो अपने धर्म का प्रतिपादन किया अशोक ने अपने धर्म के संबंध में याद रखेंगे जो सबसे मूल चीज है जिस बिंदु को ज्यादा फोकस करना है। अशोक ने अपने दूसरे, आप सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास का एकमात्र राजा अशोक है जिसने सबसे अधिक अभिलेख जारी किए, और अशोक का धर्म क्या है, अशोक अपने धर्म का क्या निहितार्थ रखा था या क्या उद्देश्य था या क्या उसके नियम थे या क्या किस अवधारणा पर आधारित थी अशोक का आधारित था अशोक का धर्म, यह अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। और खास करके ध्यान रखेंगे अशोक ने अपने दूसरे तथा सातवें शिलालेख में धर्म से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। और अशोक ने कहा है कि धर्म क्या है, अशोक का धर्म क्या है, इसका स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या अशोक स्वयं अपने दूसरे और सातवें शिलालेख में देता है। और अशोक के दूसरे और सातवें शिलालेख में जो धर्म की व्याख्या उसके अनुसार है, धर्म क्या है, तो धर्म या धम्म धम्म है क्षमा करें धम्म है साधुता कल्याणकारी कार्य, दया, दान, शुचिता। इसके बाद लिखा है धम्म है बड़ों के प्रति आदर भाव, गुरुजनों का सम्मान ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता, अहिंसा तथा दासों के प्रति उचित व्यवहार
इतना पॉइंट हमेशा याद रखें, जो अशोक ने अपने दूसरे और सातवें शिलालेख में जो व्याख्या किया है, जो सबसे अच्छी अच्छा उदाहरण होगा अशोक के धर्म के उद्देश्य को या निहितार्थ को या अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, हालांकि एक बार ध्यान में रखें, अशोक ने स्वयं इसकी व्याख्या जरूर की है, लेकिन जब यह प्रश्न कभी कभी जोड़ दिया जाए सीधे अशोक का धर्म अगर देगा तो इतने पॉइंट में आप डील कर दें, आपका आंसर एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा, और जब यह पूछेगा निहितार्थ यानी छिपा हुआ उद्देश्य क्या था, तो एक पॉइंट और लास्ट में जोड़ दें, वैसे भी इसको जोड़ ही दें, अशोक ने जो आखिर धम्म दिया इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, क्या क्यों अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। तो किसी भी नवीन व्यवस्था को जब प्रतिपादित किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ खास उद्देश्य होते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की जो नीति दी उसके पीछे क्या उद्देश्य था, तो उसका उद्देश्य अपना विशिष्ट था। अशोक ने जो धम्म दिया इसके पीछे उद्देश्य था, याद रखेंगे कि विश्व के इतिहास में अशोक पहला राजा है जिसने धम्म के द्वारा अपने धम्म के द्वारा विखंडित होते हुए समाज को एकीकृत रूप प्रदान करने का प्रयास किया समाज में भाईचारा तथा बंधुता का विकास किया। एक्चुअली आप सभी जानते हैं ये निहितार्थ है, जो लास्ट में आप जरूर लिखें कि अशोक के धम्म का क्या उद्देश्य, अशोक ने किस उद्देश्य से धम्म का प्रतिपादन किया था, क्या उद्देश्य था उसका, ये सब धम्म के नियम थे, धम्म की अवधारणा में से ये सब बिंदु शामिल है, धम्म में किन किन चीजों पर बल दिया गया था वो शामिल है, और जब यह पूछे कि धम्म को प्रतिपादित करने का छिपा उद्देश्य या निहितार्थ क्या था, तो इनको डील करें, क्योंकि अशोक आप सभी जानते हैं कि अशोक के काल तक आते आते हमारे भारत में धार्मिक समरसता बिगड़ चुकी थी। हम सभी पढ़ते हैं कि भारत में छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मुख्यतः हिंदू धर्म ही हुआ करता था, अन्य कोई धर्म हमारे भारत में नहीं था, और हिंदू धर्म की कई शाखाएं थी, जैसे वैष्णव शाखा, शैव शाखा, शाक्त शाखा, शैव में भी कई उप शाखाएं थी, कभी कभी तनाव हल्का फुल्का इनके बीच होता था, लेकिन धर्म के नाम पर कोई बड़ा तनाव छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत में नहीं देखा गया। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब हिंदू धर्म के विरोध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया, आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म वालों ने हिंदू धर्म वालों को जबरदस्त टक्कर दिया, और कुछ समय के लिए तो हिंदू धर्म धराशायी हो ही गया था, क्योंकि काफी तेजी से आगे बढ़ा, इस काल के हिंदू धर्म में खराबी भी काफी थी, तो हिंदू धर्म जब कमजोर हो गया तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म वालों में तनाव काफी बढ़ गया, तो इस काल के भारतीय समाज में धर्म के नाम पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म के शैव शाखा की जो विभिन्न उप शाखाएं थी, इन सब के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था, तो समाज धर्म के नाम पर टूट रहा था, प्लस हिंदू धर्म के जात पात के कारण भी हमारा समाज टूट रहा था। तो कोई भी अशोक की महानता इसी में निहित ही है, अशोक अगर महान कहलाया है तो वो कोई बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया ऐसा कोई उदाहरण नहीं। अशोक को विरासत में उसके दादा के तरफ से एक बड़ा साम्राज्य मिला था, उसने अपने जीवन काल में कौन कौन युद्ध लड़ा इसका भी उदाहरण नहीं है, केवल एक कलिंग को छोड़ दीजिए, तो कोई बड़ा साम्राज्य का स्वयं निर्माण नहीं किया उसने। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था भी इसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही निर्मित किया था। अशोक की जो मुख्य पहचान है वह धार्मिक सहिष्णुता को लेकर के, नैतिकता को लेकर के, एक नैतिक शासक के रूप में, एक आदर्श शासक के रूप में और एक महान शासक के रूप में, और अशोक की महानता इसी बात में आधारित है कि उसने अपने धर्म द्वारा सर्वधर्म संभाव की नीति को अपनाकर, मानवीय नैतिकता की नीति को अपनाकर
धर्म के नाम पर विखंडित होते हुए समाज को, जाति के नाम पर विखंडित होते हुए समाज को एकीकृत रूप देने का प्रयास किया। और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार और प्रमुखता से अशोक ने ही किया, इसलिए अशोक को महान राजा का दर्जा दिया गया। इतने बिंदुओं के साथ यदि आप अशोक के धर्म को लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा अंक मिलेगा। और अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो आगे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है वो अब लगातार वीडियो में आपके समक्ष मुख्य परीक्षा की तैयारी के रूप में उपस्थित होता रहेगा। तो फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, और मेरा विश्वास है आप जिस तरह से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो जारी रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इस इन उपयोगी सामग्रियों को लगातार लेक्चर में सुने और नोट डाउन कर लें, तो निश्चित रूप से आपको उद्देश्य पूरा होंगे। और फिर अगली वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।